के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। 40 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप और सनसनीखेज हत्या का एसएसपी ने किया खुलासा, प्रधान पति सहित हुए 3 गिरफ्तार। गगा थाना क्षेत्र में 2 बसों की आमने सामने की टक्कर में दर्जनों यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई एयर ठेकेदारों की बैठक, कहा ठेकेदारों की समस्याओं का जल्द होगा निस्तारण, अपूर्व कार्य करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट में शामिल। सरकार ने मानी कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट, ग्रामीण डाक सेवकों में खुशी की लहर। सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित हुई भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की बैठक, उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने बैठक की अध्यक्षता। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में संपन्न शांति व्यवस्था एवं अभियोजन की बैठक की, मुकदमों के विकास कार्यों की समीक्षा। ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के सदस्यों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह से की मुलाकात, सिंचाई मंत्री ने कहा तत्काल हड़ताल समाप्त करें समिति के सदस्य। 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क जागरूकता दिवस पर रेलवे के जीएम राजीव अग्रवाल ने वागाथॉन दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्र सरकार के सौभाग्य योजना के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुई कार्यशाला, संबंधित अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। प्रोफेसर द्वारिका नाथ को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सौंपा दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद का दायित्व, कहा रिसर्च की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा उनकी चुनौती। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कर एवं करत्तर की वसूली की समीक्षा करते हुए ठप पड़े मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का दिया निर्देश। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने जनपद के वोक्टा बरफार एवं हरबट बंधे के रेगुलेटर नंबर 1 और 9 का किया निरीक्षण, दिया समय से सभी कार्यों को पूरा कराने का निर्देश। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति का आंदोलन हुआ तेज, 14वें दिन भी प्रदर्शन रहा जारी। एससी एसटी एक्ट की बहाली किए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर भारतीय संवेदन संगठन के सदस्यों ने दिया धरना। देश में बेतहाशा महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, सरकार के विरोध में जमकर की नारेबाजी। और गोरखपुर सब जूनियर लीग में एसकेपी एकेडमी बस्ती ने गुड्डू सिंह क्रिकेट क्लब को 78 रनों से हराया।